Hi friends, welcome to my channel. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेथी, नीम, करी लीव्स और तिल के तेल का एक ऑयल जो हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी है. आज हम आपके लिए जो हेयर ऑयल लेकर आए हैं वो आपके बालों के लिए मैजिक है. आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गई है. बालों के झड़ने के जो मेन फैक्टर्स हैं वो हैं डैंड्रफ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और खाने पीने में न्यूट्रिशंस की कमी और हेयर स्टाइल में जो यूज़ होने वाले टूल्स हैं ये इनका मेन कारण है. इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नेचुरल ऑयल जो आपके बालों को, हेयर फॉल को, ग्रोथ और आपकी ग्रोथ की प्रॉब्लम को ठीक करें. इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो है नीम, नीम की पत्तियाँ, करी पत्ता, उसके लीव्स लेंगे आप, और लेंगे मेथी सीड्स, मेथी के दाने, और तिल का तेल, सीसम ऑयल. इसके लिए मैंने ये नीम लिया है. मेरी थोड़ी नॉलेज इन ड्राई लीव्स हैं, आप इसमें ग्रीन लीव्स भी ले सकते हैं. इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये ड्राइनेस कम करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है बालों की, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और जो फ्रिजीनेस होती है हेयर की उनको ये ख़त्म करता है. तो जो नीम है ये बहुत अच्छा है. और इसमें डालेंगे हम करी लीव्स. जो करी लीव्स हैं इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. ये हमारे बालों को वाइट होने से बचाता है, बालों का झड़ना रोकता है, स्ट्रॉन्ग करता है बालों को, और जो हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है उसको ये ख़त्म करता है और हमारे बालों को डैमेज होने से बचाता है. नेक्स्ट इसमें हम लेंगे मेथी. जो मेथी है ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती है. ये हमारे बालों का झड़ना रोकता है, हमारे स्कैल्प में जो इचिंग और ड्राइनेस होती है उसे कम करेगा, शाइनिंग डालता है ये बालों में, और हमारे बालों का जो डैमेज हो जाते हैं उन्हें ये सॉफ्ट और सिल्की करेगा. तो जो मेथी है इसमें हम ये यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे सीसम ऑयल, तिल का तेल. तिल का तेल एक बहुत ही जादुई ऑयल है. ये हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है और जो यूवी रेज से हमारे बाल ख़राब होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको प्रोटेक्ट करता है. और ये जो आजकल स्ट्रेस की वजह से हमारे हेयर लॉस हो रहा है उसमें भी बहुत यूज़फुल है. तो ये, और इसमें जो एक कूलेंट मॉइस्चर होता है जो कि हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं उसको तिल के तेल में वो गुण है. तो इसमें हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई. हमेशा लोहे की कढ़ाई यूज़ करें क्योंकि इसमें हमको अपने आप ही आयरन मिल जाएगा. इसमें हम डालेंगे सबसे पहले तिल का तेल, सीसम ऑयल डालेंगे, और फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मेथी के दाने. मेथी के दाने लेंगे और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ कि हमको कितना कितना ये लेना है, क्वांटिटी की कितना लेना है. फिर हमने डाला है नीम की लीव्स डालेंगे, फिर हम करी पत्ता डालेंगे. इन चारों चीज़ों को, जो हमारे चारों इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप अच्छे से बॉईल कर देंगे. धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे और लो फ्लेम में रखेंगे. धीमी आंच पर आप इस ऑयल को बनाएंगे. ये जो ऑयल है इससे हमारे बालों को स्ट्रेंथ मिलेगी, हमारे जो स्कैल्प हैं उनमें कोई इन्फेक्शन रहेगा ना, डैंड्रफ रहेगा, तो ये जो है बालों को काला भी करेगा, झड़ना तो एकदम बंद कर देगा. विदाना टू यूजेस में ही, दो बार के यूजेस में आप देखेंगे आपको ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा अपने बालों की हेल्थ में. आप देखिए इस तरीके से हमने इसे बॉईल कर दिया है. अच्छे से इसको खूब बॉईल कर देंगे, लो फ्लेम में करेंगे. देखिए पूरे अच्छे तरीके से हो गया है. अब आप इसको गैस बंद करके पूरा ठंडा होने देंगे क्योंकि बहुत गर्म होगा ऑयल. फिर आप इसको स्टील की छन्नी में छान देंगे और फिर आप इसको किसी भी ग्लास कंटेनर में रख देंगे. जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा इसको स्टोर करके रखेंगे. आप इसको तेल को ओवरनाइट लगाएं रात में और मॉर्निंग में अच्छे से शैम्पू से वॉश कर दें. आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही एक मैजिकल ऑयल है. आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.